मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा दो रोज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कल मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ते पोटोहार और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बास मकामात पर मौसलाधार बारिश और झालाबारी हो सकती है। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।